अब यहाँ पे इसके इंजन को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप का इसका इंजन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इसके अंदर। और ये लॉक पिन तो आई थिंक ये निकल जाना चाहिए, और चेन दिया हुआ है इसके अंदर। अभी के टाइम में गियर्स वेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये 19 mm का है, ये देखिए। और यहाँ पे ये लॉक, ये सब, ये देखिए। और यहाँ पे ये देखिए स्प्रॉकेट ऐसा लग रहा, लगता है कि जो ड्राइविंग ये में होता है उसमें उस टाइप का लग रहा है ये। तो ये देखिए आई थिंक ये बाहर आ जाएगा। यस, ये देखिए ये आपका बाहर आ गया है, ये देखिए। और यहाँ पे ये स्प्रिंग वाशर है थोड़ा अलग स्टाइल का। और ये स्प्रॉकेट, स्प्रॉकेट मुझे सही लग रहा है, अभी घिसा हुआ नहीं है ये, सही है ये। ये देखिए इसका ये जो नट है, इसको क्लच दबा करके आपको ओपन करना है इंपैक्ट ड्राइवर से। तो ये अंदर ही रह गया, कुछ इस तरह का स्पेशल नट है ये। अब यहाँ पे कंप्लीट क्लच असेंबली आपका बाहर आएगा। तो ये देखिए ये आपका ये प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, ये आई थिंक फ्रिक्शन मटेरियल है ये। ये देखिए कंप्लीट असेंबली आपका आ गया है बाहर। और ये एक दूसरे में बहुत गंदा तरह से चिपका हुआ है, ये देखिए बहुत अजीब टाइप का चिपका हुआ है ये, मतलब बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है इसी के कारण आई थिंक। तो ये देखिए ये इस तरह से आया बाहर, ये देखिए। तो ये रस्टिंग के कारण ऐसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये मैग्नेट आपका बाहर आ गया है। यहाँ पे इंपैक्ट ड्राइवर से ये मैं 19 mm का बोल्ट ओपन कर लिया हूँ मैंने, ये देखिए। और एक यहाँ पे वाशर रहता है, और पहले के व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहता है। अगर यहाँ पर वाशर है तो वाशर में यहाँ पर लॉक करने वाला सिस्टम रहेगा, इसको पीट पीट के आपको, ताकि ये नट ओपन ना हो। और यहाँ पे ये जो मैग्नेट है बहुत ही ज़्यादा जाम था, तो जाम होने के कारण मैंने इससे यहाँ पे पुलर का सिस्टम होता है, बट दोनों जो वहाँ पे थ्रेड था वो स्लिप कर गया था रस्टिंग के कारण, या बहुत ओल्ड है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इस पुलर के हेल्प से इस मैग्नेट को बाहर निकाला है, और ये देखिए ये अब बाहर आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके अंदर एक मैग्नेट हल्का सा क्रैक्ड है, ये देखिए। अब ये मैग्नेट मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। और पुराने व्हीकल में एक चीज़ और रहता था कि रिपेयरिंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया रहता था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हर एक मैग्नेट के लिए यहाँ पे ओपन करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है, तो ये मैग्नेट ओपन होकर रिपेयर भी हो सकता है। तो ये मैग्नेट ओपन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, बट कभी कभी अगर ये जाम रहता है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मेरे पास एक और राजदूत है, उसका मैग्नेट मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी। ये देखिए ये दोनों थ्रेड यहाँ पे डैमेज था, तो प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक और राजदूत है, और इसका मैग्नेट यहाँ पे बाहर निकालना है, और ये इजीली बाहर नहीं आता है। अगर जाम हो गया है, बहुत पुराना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। तो ये देखिए ये भी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं वो है स्प्रे करना है आपको।
उस वाले में इतना प्रॉब्लम नहीं आया था, बट इस वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। यस, ये देखिए पुलर ही बाहर आ गया है। तो ये प्रॉब्लम आता है मैग्नेट निकालने में, अगर बहुत दिन तक अगर ये ओपन नहीं हुआ है तो। और ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा, यहाँ पे थ्री लेग वाला पुलर हम लोग लगा के देखेंगे कि इससे ओपन हो रहा है कि नहीं। बहुत ही गंदा ये जाम है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा ये। ये देखिए फाइनली दोस्तों ये बाहर निकला, और बहुत ही गंदा कंडीशन है इस राजदूत का। यहाँ पे देखिए इसका कॉइल सारा पूरा गंदे कंडीशन में है, और ये मैग्नेट, तो इसका कोई भी मैग्नेट टूटा नहीं है, तो इसका मैग्नेट हम लोग को उस राजदूत में काम आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, अब यहाँ पे इसका मैग्नेट प्लेट हम लोग खोल लेंगे। तो ये देखें, तो इसमें ज़्यादातर स्क्रू का ही यूज़ हुआ है। अब ये सब जो व्हीकल है तब की है जब मैकेनिक उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे, और स्क्रू ड्राइवर एक दो रिंच से ही काम चल जाता था। आज के टाइम में आपको स्कैनर ये वो सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। ये देखिए, तीन स्क्रू है, और आई थिंक कि दोनों सेम साइज़ का ही है। इसके बाद तीसरा स्क्रू यहाँ पे है, और सब में एक एक वाशर है, प्लेन वाशर। ये देखें, आई थिंक कि अब ये बाहर आ जाना चाहिए, बट ये बाहर नहीं आ रहा है। ये बाहर आ गया कंप्लीट मैग्नेट प्लेट। और इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है, ये कॉइल बाहर आना थोड़ा सा, यहाँ पे एक और इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। और राजदूत का कॉइल में बड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब कब है कब नहीं है इसका करंट, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और वो वाला जो आपको राजदूत मैंने दिखाया उसमें भी करंट का ही प्रॉब्लम है। तो ये देखिए रबड़ का क्या हाल हो गया है ये। तो आई थिंक कि अब ये यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये देखिए इसका कंप्लीट कॉइल असेंबली बाहर आ गया है। यहाँ पे इसका क्लच सिस्टम है, ये देखें, तो कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, और इसी से क्लच इंगेज होता है। ये देखिए, और यहाँ पे स्प्रॉकेट वाला जो शाफ्ट है उसके अंदर से ये गया हुआ है। ये देखिए, तो तीन एक साइज का है और ये एक साइज का है। तो एक नीचे भी है,
तो यहाँ पे चार एक साइज का है और एक वाला एक साइज का है, ये देखिए।